नमस्कार, आप देख रहे हैं माई 11 सर्कल प्रेजेंट्स क्रिक बज लाइव। T20 श्रृंखला हुई समाप्त, 2-1 से श्रृंखला को जीता भारत ने और मैं लेकर आया हूं आपके पास इस श्रृंखला का रिपोर्ट कार्ड। हिट्स एंड मिसेस, किसको मिले कितने अंक। शुरुआत हम करने वाले हैं हार्दिक हार्ड हिटिंग पंड्या से। एक मुकाबला जो वो खेले, जो दूसरा मुकाबला था, सिंगल हैंडेडली उन्होंने मैच जिताया और जिस अंदाज में जिताया कुछ महेंद्र सिंह धोनी की याद आ गई। और अगर वैसी पारी कोई खेल जाए तो फिर आप उनको अंक काफी देते हैं, पर सच्चाई ये भी है कि आखिरी मैच में वो बल्ला उतनी जोर से चला नहीं, इस वजह से भारत मुकाबला जीता नहीं। कोहली वहां अकेले रह गए, पहले मैच में भी बल्ला बहुत नहीं बोला था। आई एम गोइंग से अबाउट 6 or 7 on 10, क्योंकि ओडीआई श्रृंखला तो कमाल की थी और अगर उसको साथ में जोड़ दें, पूरे व्हाइट बॉल के दौरे को जोड़ दें, तो फिर अंक बहुत मिलेंगे। पर अगर T20 श्रृंखला को हम सिर्फ आइसोलेशन में देखें और ये देखें कि हार्दिक ने बॉलिंग नहीं की है, सिर्फ बैटिंग की है, 3 में से 1 मुकाबला बल्ले के साथ जिताया है, तो अबाउट 7 on 10 आई विल गो विद दैट फॉर हार्दिक पंड्या। अब कप्तान कोहली की बात करते हैं। कप्तान कोहली का बल्ला माशाल्लाह, वो पुराना कोहली याद आया, विंटेज कोहली याद आया, जरूर कैचेस छूटे या फिर कहीं जीवनदान मिले। शुरुआत में तो एक्चुअली आउट भी एक बार ऐसी गेंद पर हुए, लगा कि अरे किस प्रकार की इनकी श्रृंखला रहने वाली है, पर दूसरा मुकाबला तीसरा मुकाबला बल्ला जो था इनका सर चढ़ के बोल रहा था उसका जादू। और मैं उनको दूंगा लगभग 8 on 10, क्योंकि बतौर कप्तान भी थोड़े से हाथ बंधे हुए थे, सिर्फ 5 ही गेंदबाज हैं। जब चड्डू इंजर्ड हो जाते हैं तो आपके पास कोई विकल्प तो है नहीं कि किसी और को आप खिला लें। जिनको खिलाया उनके साथ जुड़े रहे, मुझे अच्छा लगा कि संजू सैमसन को नंबर 4 पे ही उन्होंने बनाए रखा और तीनों मुकाबले उन्होंने खिलाए। मनीष पांडे अगर इंजर्ड नहीं होते तो मेरा मानना था कि वो भी सारे मैच खेलते। नटराजन का इस्तेमाल उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से किया। सो 8 on 10 फॉर कैप्टन कोहली। अब यहां से आगे चलें और टी नटराजन की बात करें। देखिए ये खिलाड़ी बड़ा कमाल का है, दमदार ये खिलाड़ी, और इनके अगर आप T20 जो ये श्रृंखला इसको अगर आइसोलेशन में देखें तो आप तारीफों के पुल बांध देंगे, इनकी शान में आप कसीदे पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि इन्होंने बता दिया कि मेरे पास ना सिर्फ यॉर्कर नहीं है, आप मुझे कहते हैं यॉर्कर किंग, लेकिन मेरे पास और भी गेंदबाजी का तरीका है। मैं ओवर द स्टंप्स जा सकता हूं, मैं राउंड द स्टंप्स जा सकता हूं, मैं अच्छी यॉर्कर तो डालता हूं पर मेरी लेंथ बॉल भी अच्छी है और अपने प्लान्स को मैं अच्छे से एग्जीक्यूट कर सकता हूं। सो मच सो कि कप्तान कोहली ने उनका इस्तेमाल इस अंदाज में किया। कुछ ऐसे ओवर होते हैं T20 क्रिकेट में जहां पर आप सबसे अपने अनुभवी गेंदबाज की तरफ जाते हैं, डेथ ओवर्स या फिर वो एक छठा ओवर जो पावर प्ले का होता है, या फिर जब बीच में कोई साझेदारी पनप रही है उसको तोड़ना होता है। ये सारे काम करवाने के लिए गेंद दी गई नटराजन को और ऑलमोस्ट एवरी टाइम उन्होंने डिलीवर भी किया, तो मेरे विचार में तो 9 on 10 फॉर यंग नटराजन। इनका जो सिक्का है वो जम रहा है और ये खिलाड़ी भारतीय कपड़ों में ना बहुत जच रहा है। ग्लेन मैक्सवेल की बात करते हैं, एक ऐसा खिलाड़ी जो कि एक एनिग्मा है, क्योंकि जब ये भारत की किसी फ्रेंचाइज के लिए खेलते हैं तो कुछ अलग अंदाज में खेलते हैं, लेकिन जब ये भारत के खिलाफ जर्सी पहन लेते हैं ऑस्ट्रेलिया की और उस जर्सी में पहनकर इन सेम भारतीय बॉलर्स के खिलाफ खेलते हैं जिनको वो IPL में खेल रहे थे, जिनके खिलाफ वो आउट हो रहे थे, उनको ये मैदान से बाहर आउट कर देते हैं। मतलब कमाल की बल्लेबाजी की है इन्होंने जिस अंदाज में खेले हैं, अंदाज इनका एक ही है पर इतना इफेक्टिव हो जाए, इतना कंसिस्टेंट हो जाए, तो फिर आपको लगता है कि इनको रोकना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। अलग अलग तरीके से रन बनाते हैं, मुझे लगता है ये फील्ड को खेलते हैं, ये नहीं खेलते गेंदबाज को, जहां जहां फील्डर नहीं रहते डीप में वहां मारने का करते हैं प्रयास। थोड़ी सी हाई रिस्क क्रिकेट रहती है, पर कहानी शायद वही है कि जो एक साधारण ड्राइवर होते हैं तो उनको लगता है कि जो Formula 1 जो लोग चला रहे हैं, जो या फिर जो मोटर बाइकिंग करते हैं, जो एकदम पहाड़ों पे जाके बाइक चलाते हैं, वो लगता है कि बड़ा मुश्किल होता होगा, वो बहुत रिस्की है, पर जो वो लोग हैं जो Formula 1 के ड्राइवर्स हैं उनको वो आसान लगता है। तो ग्लेन मैक्सवेल जब जोखिम उठाते हैं, रिस्क के साथ खेलते हैं, तो वो रिवॉर्ड की तरफ देखते हैं और नॉर्मल ह्यूमन बींग्स जो हैं वो उसी अप्रोच को थोड़ा सा ज़्यादा रिस्क लेडन मानते हैं। आई विल गो अबाउट 9 on 10 फॉर ग्लेन मैक्सवेल, क्योंकि आखिरी मैच में गेंदबाजी भी अच्छी की, शुरुआत में झटका भी दिया, बैटिंग में तो खैर उन्होंने कमाल किया ही, तो 9 on 10 फॉर ग्लेन मैक्सवेल। अब कुछ ऐसे खिलाड़ियों की बात करते हैं जिनकी श्रृंखला उतनी अच्छी रही नहीं और दैट वॉज थोड़ा सा आप जो फ्यूचर की तरफ देखते हैं तो सोचते हैं कि क्या करेंगे, किस तरफ जाएंगे। सबसे पहला नाम आता है यूजी चहल का, पहले मैच में उनको खिलाया नहीं और हमने बहुत तपशरा की कि इनको खिलाना चाहिए, वो तो चलिए भाग्य का साथ था उनके लिहाज से, ऑफकोर्स जाडेजा का इंजर्ड होना अच्छी बात नहीं,
लेकिन वो गेंदबाजी के लिए आ जाते हैं, कंकशन सब्स्टिट्यूट बनते हैं और मैन ऑफ द मैच परफॉर्मेंस देते हैं, वो था पहला मुकाबला। लेकिन उसके बाद दूसरा और फिर तीसरा, चार चार ओवर में वो 40-40 रन देना, इसका मतलब थोड़ा सा फीका रहा उनका दौरा। ना तो वो सारे वनडे मुकाबले खेले, पहले दो खेले, उसमें भी बहुत महंगे साबित हुए। अगर आप T20 को आइसोलेशन में देखें तो तीन में से एक मुकाबला अच्छा और दो बहुत साधारण, तो मैं जाऊँगा अबाउट 5-10 फॉर यूजी चहल। इनसे आप इससे ज़्यादा की उम्मीद करते हैं, और अगर वैसा ना हो तो ये थोड़ा सा आपका सिरदर्द बन सकता है। अच्छी बात क्या है, इनके पास अनुभव है और अनुभव एज वी ऑल से कि वो मार्केट प्लेस में तो मिलता नहीं, सुपर बाजार से आप खरीद नहीं सकते। अनुभवी खिलाड़ी जानता है कैसे वापसी करनी है, तो ये भी वापसी कर जाएंगे ऐसा मेरा मानना है। अगर संजू सैमसन की मैं बात करूँ, अब जब हम बात करते हैं चहल की, अच्छा ना रहना, संजू सैमसन को क्या हम उसी अंदाज में आँक सकते हैं? मैं कहूँगा नहीं। थोड़े से उन्होंने जो पारियाँ खेली हैं, जितनी देर वो पिच पे रहे तो लगता है बैटिंग बहुत आसान है, बड़े अच्छे, बहुत खूबसूरत, दिल को लुभाने वाले शॉट खेलते हैं, पर वो तीनों बार आउट हो गए और तीनों बार उनको चार नंबर पे खेलने का मौका मिला। थोड़ा सा हार्श तो है क्योंकि T20 फॉर्मेट में मजबूर होते हैं आपकी बड़े शॉट लगाएं, लेकिन ये बात भी तो सच है कि जैसे ही रोहित आएंगे तो किसी ना किसी को तो बाहर जाना होगा, और उस कड़ी में सबसे जो आपने एक माला पिरोई है उसमें सबसे कमज़ोर कड़ी जो है वो संजू सैमसन है। तो वो अपने मौक़ों का फ़ायदा नहीं उठा पाए, उनको नहीं भुना पाए। हालांकि फील्डिंग में एक दो उनके जो उनके अटेम्प्ट थे, कैच उन्होंने कमाल का पकड़ा है, वो छक्का उड़ता संजू हमें नज़र आया, पर मैक्सिमम अबाउट 4/10 फॉर संजू द बैट्समैन। और उम्मीद मैं करता हूँ कि उनको मौके और मिलें, पर मुझे उतना भरोसा नहीं है कि बहुत सारे मौके इनको मिलेंगे। ये मौके इनको भुनाने बहुत बहुत ज़रूरी थे। केएल राहुल की बात कर लेते हैं, ही इज़ माई लास्ट गाय इन द लिस्ट। केएल राहुल से बतौर T20 ओपनर आप ज़्यादा उम्मीद करते हैं? थोड़ा सा एक पारी थी जो थोड़ी सी मिडलिंग पारी थी, लेकिन उसके अलावा बल्लेबाजी में आप जब इनकी तरफ देखते हैं, बतौर ओपनर देखते हैं, तो आप उम्मीद करते हैं तीन में से एक मैच विनिंग पारी खेल के जाएंगे, एक ही बड़ी पारी खेल कर जाएंगे। ऐसा हुआ नहीं और थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग रहा उनका बतौर बल्लेबाज प्रदर्शन। विकेट कीपर के रूप में कैचेस के बारे में नहीं कहूँगा, एक छूटी ज़रूर, लेकिन वो जो DRS में जिस प्रकार से उनका थोड़ा नॉन कमिटल एटीट्यूड एक दो बार नज़र आया, वो मुझे लगता है कि कप्तान कोहली को ज़्यादा सशक्त नहीं बनाता, थोड़ा कमज़ोर बनाता है। कि कोहली तो सर्कल में रहते नहीं है, वो तो पीछे चले जाते हैं, तो वो हमेशा देखते हैं विकेट कीपर की तरफ। अगर विकेट कीपर ने उनको नहीं दिया सही संदेश, उन्होंने अगर इनपुट्स नहीं दिए, तो फिर कोहली आपको ज़्यादातर फिर इंपल्सिव DRS लेते हुए नज़र आते हैं, विच इज़ नेवर अ गुड थिंग। तो KL राहुल का भी ये जो T20I का जो ये दौरा या कहें जो छोटी सी श्रृंखला रही तीन मैचेस की, ये इनके स्टैंडर्ड्स के हिसाब से बहुत साधारण रही, और अबाउट 4.5/5/10 फॉर KL राहुल।